और बलिया से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां चलती बाइक पर जर्जर हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से तीन दोस्तों की झुलसकर मौत हो गई। बैरिया थाना क्षेत्र के शोभा छपरा गांव के पास ये बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल तीनों युवक जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए निकले थे और अपने गांव जा रहे थे, तभी यह भीषण हादसा हो गया। वहीं एसपी ने बड़ा संकेत दे दिया है और कहा है कि परिजन अगर तहरीर देते हैं तो बड़ा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है, जहां जर्जर हाईटेंशन तार टूटकर तीन युवकों पर गिर गया और तीनों युवकों की झुलसकर मौत हो गई है। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? बता दूं कि इस खबर में अपडेट यह है कि लड़कियां अपने बर्थडे पार्टी गांव अपने लौट रहे थे और रास्ते में जिस उधर की तार टूट कर गिर गई और तीनों लड़के मोटरसाइकिल से फंस गिर पड़ा और पड़ने के कारण तार में लपेट गए और उसी में उनकी हाइड्रेंट करंट लगने से और झुलस गए। झुलसने के बाद उनकी मौत हो गई मौके पर ही। बिल्कुल, देखा जाए तो इस तरह की बिजली विभाग की लापरवाही जो है वो लगातार सामने आती रहती है और एक बार फिर से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जर्जर तार था और वो टूटकर युवकों पर गिर गया और युवकों की झुलसकर मौत हो गई। देखिए, क्या इसकी शिकायत नहीं की गई थी गांववासियों की तरफ से या बिजली विभाग ने इस शिकायत को नजरअंदाज किया? जांच के लिए एसडीएम बैरिया और मौके पर सीओसीटी भी पहुंचे हुए हैं। उसमें यह है कि परिजन तहरीर देते हैं तो मुकदमा बिल्कुल। पशुपतिनाथ, देखिए, तीन लोगों की मौत हो गई है, वो भी बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवक का जन्मदिन था, तभी युवक निकले थे, अपने गांव लौट रहे थे और इसी वक्त यह हादसा हो गया। जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कोई तहरीर दी गई है? उनकी तरफ से अभी कोई तहरीर दिया नहीं गया है। बिल्कुल पशुपतिनाथ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बलिया से बड़ी जानकारी मिल रही थी, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई, हाईटेंशन तार टूटकर तीन युवकों पर गिर गया और तीनों युवकों की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि परिजनों की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन एसपी द्वारा कड़ा संकेत दिया गया है और कहा गया है कि अगर परिजन तहरीर देते हैं तो बड़ा मुकदमा दर्ज किया जाएगा।